नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टेक डिजिमोन में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भी हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप कर लेना है UIDAI। यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया हूँ UIDAI। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट आ गया है, UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट। आपको यहाँ पे UIDAI पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये वेबसाइट खुल गया है। दोस्तों, इस वेबसाइट का सीधा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे डाउनलोड आधार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप myaadhar.uidai की वेबसाइट पे आ गए हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको लॉगिन पे दोस्तों क्लिक कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से यहाँ पे आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे में कैप्चा को फिल अप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कैप्चा में जो भी दोस्तों स्मॉल में है तो उसको स्मॉल में लिखना है, जो कैपिटल में है उसको कैपिटल में लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे सेंड OTP क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर OTP जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं OTP आ गया है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों, आपको OTP लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से डाउनलोड आधार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो दिखाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम दिखाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे में डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका वोटर यानी आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। आप यहां से भी खोल सकते हैं, मैं यहां पे खोल के दिखा देता हूं। यहां पे देख सकते हैं यहां पे पासवर्ड मांग रहा है। तो दोस्तों, यहां पे आपका आधार कार्ड का पासवर्ड होगा जो दोस्तों आपके नाम का पहला दोस्तों 4 लेटर होगा, आपके नाम का पहला 4 लेटर होगा। उसके बाद दोस्तों, आपका जन्मतिथि का ईयर होगा दोस्तों, पूरा ईयर लिख लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका नाम का 4 लेटर लिखना है कैपिटल में। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ उसके बाद 4 लेटर लिखने के बाद कैपिटल में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जैसे 2001 है, 2002 है या फिर 2003 है, वो लिख लेना है। स्पेस नहीं देना है, आपके नाम का पहला 4 लेटर लिखे कैपिटल में। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। उसके बाद ओपन भी क्लिक कीजिएगा तो वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से डाउनलोड कर लेना है। अगर और भी कोई आपके मन में सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।